होंडा कार इंडिया ने आखिरकार भारत में पांचवी जनरेशन होंडा सिटी लॉन्च कर दी है, जिसकी दिल्ली में शुरुआती एक शोरूम कीमत 10,89,000 रुपए रखी गई है, जो 14,64,000 रुपए तक जाती है। इस कार को भारत में 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था, लेकिन देश भर में छाए कोविड-19 संकट के चलते इसे आगे बढ़ाया गया। नई सिटी में बहुत सारे अपडेट्स दिए गए हैं, जिससे पुराने मॉडल के मुकाबले कार न सिर्फ खूब सारे नए फीचर्स के साथ आई है बल्कि सुरक्षित भी है। भारतीय बाजार में नई सिटी का मुकाबला मारुति सुजुकी सियाज, ह्यूंडई वर्ना, फोक्सवैगन वेंटो, टोयोटा यारिस और स्कोडा रैपिड जैसी कारों से होगा। आकार की बात करें तो पुरानी सिटी के मुकाबले नई जनरेशन लंबी और चौड़ी है। तकनीकी रूप से नई जनरेशन होंडा सिटी को पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों में पेश किया गया है। कार में लगे दोनों ही इंजन BS6 मानकों वाले हैं। कार का 1.5 लीटर IVTEC 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 119 BHP पावर और 145 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है, और इस इंजन को 6 स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स दिया गया है। कार का 1.5 लीटर ID.TECH डीजल इंजन 98 BHP पावर और 200 Nm पीक टॉर्क देता है, और इसे सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च किया गया है। स्कोडा इंडिया ने रैपिड कॉम्पैक्ट सेडान का नया राइडर प्लस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसकी भारत में इंट्रोडक्टरी कीमत 7,99,000 रुपये रखी गई है। राइडर प्लस को 4 रंगों कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर और टॉफी ब्राउन में पेश किया गया है। रैपिड राइडर प्लस की जगह सेडान के बेस मॉडल राइडर के ऊपर होगी, जिसकी कीमत 7,49,000 रुपये है, और कीमत में इजाफे के हिसाब से राइडर प्लस में अलग कुछ फीचर्स डाले गए हैं। राइडर प्लस एडिशन के साथ आकर्षक ब्लैक और सिल्वर डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, और इसे बेस मॉडल से अलग दिखाने के लिए काफ़ी काम किया गया है। अब ये कार राइडर वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम दिखने लगी है। रैपिड राइडर प्लस में नई 6.5 इंच की कलर टच स्क्रीन सेंट्रल इन्फोटेनमेंट सिस्टम के साथ स्मार्ट लिंक तकनीक भी दी गई है। स्कोडा ने रैपिड के राइडर प्लस वेरिएंट को कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया है। किया मोटर्स अपनी आगामी कार सोनेट से पर्दा हटाने वाली है, और ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किए जाने के बाद किया सोनेट का वर्ल्ड डेब्यू 7 अगस्त 2020 को भारत में किया जाएगा। कंपनी लाइव वर्चुअल इवेंट के जरिए कार के उत्पादन मॉडल को पहली बार दुनिया के सामने पेश करेगी। किया मोटर्स नई सोनेट को भारत में पहले लॉन्च करेगी, जिसे बाद में विदेशी बाजारों में पेश किया जाएगा, और इस सेगमेंट में नई सोनेट को तगड़ा मुकाबला भी मिलने वाला है। सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में किया सोनेट को टक्कर देने के लिए ह्यूंडई वेन्यू ही नहीं बल्कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा, फोर्ड इको स्पोर्ट, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 300 मौजूद हैं। सोनेट के साथ किया ह्यूंडई वेन्यू वाला प्लेटफॉर्म और इंजन देने वाली है। ऐसे में कार के साथ 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन के साथ 1 लीटर का GDI टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा। कार के साथ सामान्य तौर पर 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही वेन्यू की तर्ज पर सोनेट के साथ भी कंपनी का लेटेस्ट IMT या इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।